गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट नंबर्स 1 to 100. अब इसी नंबर्स को हमको जोड़ना है, यानी एडिशन के रूप में हमको दिखाना है. तो आपका चैप्टर चल रहा है यूनिट 4 एडिशन अप टू 10, यानी टेंस नंबर के अंदर एक वंस टेंस नंबर का यहाँ पे आपको एड सीखना है. तो पुटिंग टुगेदर टू और मोर नंबर्स इज कॉल्ड एडिशन. जब हम दो नंबर को एक साथ रखते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देखिए 0 9 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 2 4. अब इसको हम ऐड करते हैं, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6. इसका जो एड आंसर आया है, रिजल्ट आया है, उसको हम सम करते हैं, एडिशन करते हैं. तो इसको इंडिकेट किया जाता है प्लस से. इसका इंडिकेशन है प्लस. अब एड को हम सबसे पहले आप लोग नंबर लाइन में जोड़ना सीखें. नंबर लाइन में हम ऐड कैसे बनाते हैं, सो स्टार्ट एट 3 एंड काउंट फॉरवर्ड बाय 5, यू विल रीच 8. अब हम कैसे नंबर लाइन में 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 तक पहुंचेंगे. सबसे पहले तो एक लाइन खींचेंगे, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. इतना मार का ज्यादा हो गया. इसको आप यहाँ से यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक, यहाँ सारा हम वंस प्लेस लिए हैं सारा कुछ. अब हमको कितना से यहाँ स्टार्ट करना है, 3 में 5 को ऐड करना है. तो सबसे पहले हम 0 से 3 पे जाएंगे, किसी भी नंबर पे 3. अब यहाँ से आप को कितना ऐड करना है, इसमें 5 हमको ऐड करना है. तो यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 and 5. तो 5 आप देखिए हम कितना ऐड किए, 1 2 3 4 and 5 हो गया हमारा. 5 3 से हमने स्टार्ट किया, 5 ऐड किया, हम कहाँ पर पहुँचे हैं, 8 पे. यानी 3 + 5 = 8. इसमें आपको कोई डाउट नहीं है. अब आते हैं ऐड, दो तरह से हम बनाते हैं. एक होता है वर्टिकल एडिशन. वर्टिकल एडिशन आपको इससे पहले हमने सेप में पढ़ाया था, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, स्लिपिंग लाइंस, कर्व लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस. तो उसी का अब इसमें ऐड में भी दो तरह से ऐड होता है, वर्टिकल एडिशन एंड हॉरिजॉन्टल एडिशन. व्हाट इज वर्टिकल एडिशन, जब हम किसी एडिशन को ऊपर नीचे करके जोड़ते हैं, किसी ऐड को, तो उसको हम वर्टिकल एडिशन कहते हैं. लेकिन एक्चुअल सम दोनों का बराबर आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं होता. द आंसर विल बी द सेम. अब यहाँ पर कोई एग्जांपल आप लोग, जैसे कि हम एग्जांपल लिए 3 and 4. इसको हम ऐड करते हैं तो कितना आया हमारे पास आंसर, 7. अब इसी तरह हॉरिजॉन्टल में हम ऐड करते हैं, 3 + 4 = 7. तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे द आंसर विल बी द सेम. यदि हम वर्टिकल एडिशन करें, हॉरिजॉन्टल एडिशन करें, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. इसमें आपका कोई चेंजिंग नहीं रहेगा. चलिए अब हम लोग आते हैं एडिशन स्टोरी. व्हाट इज एडिशन स्टोरी, तो जब हम
उसको हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, लेकिन आप लोग को अभी ये हम एडिशन स्टोरीज में समझा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइव वर्ड्स आर ऑन द ब्रांच एंड थ्री वर्ड्स आर इन द नेस्ट, तो टोटल वहाँ पे कितनी चिड़िया है। तो फाइव वर्ड्स आर ऑन द ब्रांच, तो ऑन द ब्रांच यानी यदि हम इसको वर्ड में थोड़ा सा लिखे तो ऑन द ब्रांच इसका टू थ्री बर्ड्स फाइव बर्ड्स एंड इन द नेस्ट इसका टू कितना है थ्री बर्ड्स। अब दोनों को हम क्या करेंगे, एड द फाइव बर्ड थ्री एट, देयर आर यहाँ पे इसका लास्ट दीजिएगा देयर देयर आर थ्री प्लस फाइव इसका टू एट बर्ड्स हो गया। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, टू कैट्स आर ऑन द टेबल, एक टेबल है जिसके ऊपर दो बिल्ली है, फोर कैट्स अंडर द टेबल, चार बिल्ली टेबल के नीचे है, तो टोटल कितनी बिल्लियां हुई, तो ऑन द टेबल इसका टू टू कैट्स अंडर द टेबल इसका टू फोर कैट्स। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड कर दी फोर टू सिक्स कैट्स, देयर आर टू प्लस फोर इजकल टू सिक्स कैट्स इन। आपको ये समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आप वन से लेके हंड्रेड तक आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, अब आपका हंड्रेड से टू हंड्रेड तक होगा, तो इसी तरह आप उसको नंबर लाइन में लिखिएगा, उसका वर्ड लिखिएगा, नंबर को किसी भी जिसने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था वन इसका टू ओ एन वन टू इसका टू थ्री डब फोर टू, इसी तरह से आप वन से लेके हंड्रेड तक नंबर नेम लिखना, और जो भी असाइनमेंट हो इसका कंप्लीट करोगे आप लोग, तो जितना जल्दी हो उसके सारा बुक आप लोग खरीद लीजिए। चलिए इस चैप्टर में आपका इतना ही था, उसको कंप्लीट कीजिए। ओके बाय।